नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। फर्जी कंपनी के नाम से खुला कॉल सेंटर, की गई लोगों से लाखों की ठगी। इंदौर पुलिस टीम ने कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका से लोगों को ठगी करने के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपियों के घरों से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं और एक अमेरिकी डाटा सॉफ्टवेयर से मैसेज भेजकर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एक फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी के डेटा की मदद से ये ठग लोगों को मैसेज भेजकर फंसाते थे और 14 रुपए में ये अमेरिकी डेटा को खरीदते थे। पुलिस टीम ने जब कॉल सेंटर पर छापा मारा तो उस दौरान वहां अन्य कर्मचारी तो थे, लेकिन जावेद वहां पर नहीं था। फिर पता चला कि वो एक कर्मचारी के लिए केक लेने गया है। वो जब जावेद मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने केक कट करवाया और उसके बाद सभी आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस को ठगी के आरोपियों से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं और पुलिस ने इन दस्तावेजों को बरामद कर लिया है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को सौंपा जा रहा है। साइबर सेल ने PU4 स्थित दो बिल्डिंगों में चल रहे कॉल सेंटर पर छापा मारकर 78 आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें 19 युवतियां भी शामिल थी। मुख्य आरोपी जावेद शाहरुख व भाविल को रिमांड पर लिया गया है। फर्जीवाड़े में पुलिस को सन्नी चौहान की तलाश है। सन्नी आरोपियों को दूसरे प्रदेश से यहां लाया है और कॉल सेंटर खुलवाया है। सन्नी के बारे में पता चला है कि वह अहमदाबाद के रसूख परिवार से ताल्लुक रखता है और विजयनगर क्षेत्र के एक पब में हिस्सेदारी की बात भी सामने आ रही है। यह भी पता चला है कि अमेरिका के लोगों के ठगी का पैसा जमाने के लिए वो अकाउंट भी उपलब्ध कराता था और इस समय वो अमेरिका में ही है। हालांकि पुलिस इन ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके पास से कई दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई में क्या होता है, ये पुलिस द्वारा अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।